ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के स्कूलों के विद्यार्थियों के कृपान पाउण ते बैन लगा दिता गया, जिस तों बाद सिख भाईचारे दे विच रोस है। इस मामले नूं लैके श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मंदभागा दस्सिया अते धार्मिक आजादी के खिलाफ करार दिता है। नाल ही उन्होंने जल्द ऑस्ट्रेलिया सरकार नूं इस बैन नूं हटाउण दी अपील भी की है। उधर SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर के वलों भी अपील की जा रही है कि यह रोक जल्द हटाई जाए। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के सिक्ख्या मंत्री वालों स्कूलों के सिख बच्चों के कृपान पाउण ते रोक लगाउण नूं श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने मंदभागा अते धार्मिक आजादी के खिलाफ करार दिता है। जथेदार हरप्रीत सिंह ने कहा कि न्यू साउथ वेल्स के सरकारी स्कूलों के सिख बच्चों के कृपान पाउण उत्ते 19 मई 2021 तो पाबंदी लगाई गई है, जिसनों बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आख्या कि भावें पाबंदी सिडनी के एक स्कूल के वापरी घटना उपरंत लागू की गई है, पर सिखां दे जीवन का अहम अंग कृपान ते पाबंदी लगा देना सिख मानतावां दे बिल्कुल विरुद्ध है। मैंने पता लगे हुणे ही बेहद निंदनयोग यह गल है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट वालों स्कूल के बच्चों जो कृपान पाउण तों रोकना। गवर्नमेंट नूं समझना चाहिए ऑस्ट्रेलिया दी नूं कि जिहड़ी कृपान है ये साढ़े पांच ककारां दे विच्चों एक ककार है और सिख धर्म के इस ककार की जिहड़ी है बहुत वड्डी अहमियत है, पंजे ककारां की अहमियत है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार नूं अपना फैसला वापस लेना चाहिए है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हां भी साडियां पंथ दियां नुमाइंदा संस्थावां जथेबंदियां ने ऑस्ट्रेलिया दे विच रहिंदियां जिहड़ियां साडियां संस्थावां ने जथेबंदियां ने गुरद्वारा कमेटियां ने उहनां नूं असीं इह कहना चाहुंदे हां कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ना जिहड़ा राबता कायम करके तो कुरबान की पाबंदी जिहड़ी है तुरंत जिहड़ा वो हटाने का यतन जिहड़ा वो तेज़ किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट भी जिहड़ी है दोबारा अपने इस फैसले के उत्ते मुड़ विचार करे, क्योंकि इहदे नाल दुनिया के सिखां दीआं भावनावां जुड़ियां ने। इस तों अलावा बीबी जगीर कौर वालों भी इस मामले की निखेधी की गई है तो उन्होंने वालों चिट्ठी लिख के मांग की गई है कि यह बैन जल्द हटना चाहिए। जिहड़ा एक स्टेट के उन्होंने की किया बंद कर दिता कृपान पाउणी बैन लाता स्कूलों के जोड़ा बहुत साढ़े उत्ते एक हमला धर्म की आज़ादी के उत्ते हमला बहुत इसनों संगत रोस भी है महसूस भी किया गया, क्योंकि उन्होंने चाहिए सगा कि पहला सिख जथेबंदियां उत्ते साढ़े सिख धर्म के लोग ने उन्होंने सलाह मशवरा कर लेना चाहिए सगा कि एक सानू इहदा हल की करना चाहिए। जे किसी एक बच्चे ने मान लो एक बच्चे ने गलती की भी हो उस बच्चे को सज़ा भी दे दी गई है, वो FIR भी दर्ज कर दी गई है, उन्हें सज़ा भी ढुकवी देने लिए कह दिया गया, पर इनू धार्मिक तौर के उत्ते इस बंदिशा लाना समझो धर्म की आज़ादी उत्ते बड़ा वड्डा हमला होया। 300 साल तो सिख जिहड़ा कृपान पहनता आ रहा ये साडा केवल धार्मिक चिन्ह ही नहीं, ये साडी आस्था है, ये साडा एक बहुत वड्डी शक्ति है जिन्हों असी नाल लैके चलते हैं। हर व्यक्ति के मन में ये इहदा डर ते भौ भी है कि असी इहदे नाल असी अपनी राखी करनी भाव अपने आप नूं वकारां तों बचाउणा है। ये नहीं कि असी किसी ने डिफेंस में इस करके है कि साडे उत्ते कोई हमला करदा डिफेंस च है, असी जिहड़े वकार साडे अंदर आउंदे है उहनां वकारां दा असी किदां मुकाबला करना, ये साडे कोल एक बहुत वड्डी शक्ति है जिहड़े ककार सानूं बख्शे ने गुरु साहिब जी ने, एक गुरु की मोहर है साडे वास्ते। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर दे वल्लों चिट्ठी बेशक लिख दी गई है तो इस मामले की निखेधी भी की गई है। भारत सरकार ते ऑस्ट्रेलिया विखे भारतीय राजदूतों तो भी यह मांग की जा रही है कि उत्थों की सरकार के नाल गलबात करके इस फैसले नूं रद्द करवाउण दे लई यतन कर। SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि जल्द ही श्रोमणी कमेटी इस मामले के भारत ते ऑस्ट्रेलिया सरकारां दे नाल गलबात करके मसले का हल करेगी। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसे बिल्कुल भी मिस ना करो।